मैं कराची निकला पीर बदीउद्दीन रहिमहुल्लाह के पास, डेढ़ साल गुजारा। सिंध के कोने कोने में रब की तौहीद का पैगाम पहुंचाया। मुझे याद है वो गोठ जहां साईं पहुंचे, एक घर मुसलमान का और सारे हिंदुओं का घर, पूरी बस्ती गोठ हिंदुओं की है। साईं को कहा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहा कोई मसला नहीं, कुर्सी उठाकर लाओ, सीढ़ी लगाओ, छत पर चढ़ाओ। कुर्सी लगाई, शेखुल अरब वल अजम छत की, घर की छत पर, और सुनने वाला एक मुसलमान सामने बैठाया। इन्नल हम्दलिल्लाह, सहरा के अंदर आवाज गूंजी, सिंध का सहरा थर पार कर मिट्टी थर के अंदर हिंदुओं ने आवाज सुनी। अपने अपने कमरों से बनाए हुए मिट्टी के घरों से निकले, उस घर के चारों तरफ बैठने लगे, ढाई घंटे अल्लाह की तौहीद को बयान किया कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ये मिट्टी के बनाए हुए बुत हैं, करने वाला आसमान वाला। सुबह फजर हुई, पूरा गांव कलमे तौहीद पढ़कर अलदीस हो गया। मस्जिद बनी आपके इस भाई और नुमाइंदे ने, उस मस्जिद में दरस तौहीद दिया।